हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। इधर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस करने में अपनी ताकत झोंक रही है। इसी बीच में एमसीडी चुनाव को अपनी पोल हमारे सामने आ चुका है। एमसीडी का चुनाव 250 वार्ड में होगा, 2017 में 272 सीट पे हुआ था, 22 सीट आश्रित रखे गए। एमसीडी चुनाव की तारीख 4 दिसंबर रखी गई है, 7 दिसंबर को मतगणना शुरू हो जाएगी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 118 से 138 सीट मिलने का अनुमान है, वही 2017 में 186 सीट मिली थी बीजेपी को। आम आदमी पार्टी के खाते में 104 से 124 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को 2017 में 45 प्लस सीट मिली थी। कांग्रेस के खाते में 4 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा ठीक नहीं लग रहा है। अन्य के खाते में 4 सीट जाते नजर आ रही हैं। वोट परसेंट की बात करते हैं तो बीजेपी को 42% है, आम आदमी पार्टी को 40 है, कांग्रेस को 16%, अन्य को 2% मिलती नजर आ रही, मगर बीजेपी को घाटा होता नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है।